हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज की क्लास में मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगी, दैट इज नोन एज इन्फ्लेशन। अगर हम इन्फ्लेशन के बारे में बात करें तो आप में से काफी लोगों को पता होगा कि इन्फ्लेशन होता क्या है। हम डेली लाइफ के अंदर सुनते हैं कि आम मार्केट के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पे जब भी आप इन्फ्लेशन के बारे में बात कर रहे हो तो आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा? आपके दिमाग में आ रहा होता है डायरेक्टली कि मार्केट में क्या हमें दिखाई दे रहा है, प्राइस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, प्राइस राइज होता हुआ दिखाई दे रहा है हमें इकोनॉमी के अंदर। तो जब भी प्राइस राइज होता है इकोनॉमी में तो उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन। लेकिन यहाँ पे एक कंफ्यूजन आती है हम सबके माइंड पे कि क्या अगर एक कॉमोडिटी का प्राइस इंक्रीज कर रहा होगा तो उस समय उस प्राइस राइज को भी हम इन्फ्लेशन कहेंगे? तो आंसर इज नो। अगर आपका इकोनॉमी के अंदर सिर्फ वन कॉमोडिटी का प्राइस इंक्रीज कर रहा होगा तो एट दैट टाइम हम उसको इन्फ्लेशन नहीं कहते। हम उस चीज को क्या कहेंगे? दैट इज नोन एज रिलेटिव प्राइस इंक्रीज या रिलेटिव प्राइस चेंज। मतलब बाकी कॉमोडिटीज के कंपैरिजन में सिर्फ उस पर्टिकुलर कॉमोडिटी का अगर प्राइस राइज होगा तो उसके लिए जो हम टर्म यूज करेंगे दैट इज रिलेटिव प्राइस इंक्रीज। इन्फ्लेशन आप इसके लिए टर्म यूज नहीं करेंगे। तो अब अगर मैं आपको पूछूं इन्फ्लेशन है क्या, तो आप में से काफी लोग बोलेंगे मैम इन्फ्लेशन का मतलब है प्राइस राइज हो रहा है इकोनॉमी में। लेकिन मैं अगर आपको वहां से आगे बोलूं कि प्राइस राइज तो हो रहा है लेकिन अगर प्राइस राइज सिर्फ एक कॉमोडिटी का इकोनॉमी में होगा तो क्या हम उसको भी इन्फ्लेशन कहेंगे? द आंसर इज नो। हम उसको क्या कहेंगे? इट इज नोन एज रिलेटिव प्राइस इंक्रीज। तो फॉर इन्फ्लेशन क्या होना चाहिए? यहाँ पे नंबर ऑफ कॉमोडिटीज का प्राइस इंक्रीज होना इंपॉर्टेंट है। तो जब आप इन्फ्लेशन के बारे में बात करोगे तो डेफिनेशन में हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे ओवरऑल इकोनॉमी में हमें प्राइस राइज होता हुआ दिखाई देगा। तो जब यहाँ पे इन्फ्लेशन की डेफिनेशन पे बात करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे? इन्फ्लेशन रेफर्स टू द जनरल राइज इन द प्राइस ऑफ, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी? गुड्स भी लिखूंगी एंड सर्विसेज भी लिखूंगी, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो याद रखना जब आप इन्फ्लेशन के बारे में बात करेंगे तो हमें ओवरऑल प्राइसेस बढ़ते हुए इकोनॉमी के अंदर दिखाई देते हैं। यहां तक समझ आया? इन्फ्लेशन क्या होता है? एक कॉमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो हम उसको इन्फ्लेशन नहीं कहते, दैट इज नोन एज रिलेटिव प्राइस इंक्रीज। ज्यादा कॉमोडिटीज का प्राइस इंक्रीज होता दिखाई देना चाहिए। क्लियर? अब यहाँ पे इन्फ्लेशन तो आप लोगों को आइडिया मिल गया कि बेसिक आइडिया होता क्या है इन्फ्लेशन। अब आज की जो हमारी वीडियो रहेगी उसमें मैं आपके साथ इन्फ्लेशन के बेसिक्स डिस्कस करूंगी। साथ में जो हमारा मेजर टॉपिक रहेगा आज की क्लास में दैट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दैट इज CPI। इन दोनों चीजों पे आज की क्लास हमारी रहेगी। टाइप्स के ऊपर मैं अलग क्लास लूंगी, इन्फ्लेशन की अभी और भी क्लासेस आएंगी तो वन बाय वन आप लोगों को सबका लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति में मिल जाएगा। तो आप जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए सो दैट आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। अब यहाँ पे इन्फ्लेशन के बारे में तो आपको पता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इन्फ्लेशन। जब हमें इकोनॉमी में बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा तब हम उसको कहेंगे इन्फ्लेशन। अगर मैं आपको पूछूं वन कॉमोडिटी तो आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग कहेंगे मैम इट इज नॉट इन्फ्लेशन, इट इज रिलेटिव प्राइस इंक्रीज। तो दोनों चीजों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। क्लियर यहाँ तक? लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आई रिक्वेस्ट आगे की वीडियो देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही अगर आपको ये वीडियोस वैल्यूएबल लगती है देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी, आप पॉज करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे इन्फ्लेशन के बेसिक्स के बारे में बात करें तो मैंने अभी आपको बताया इन्फ्लेशन का मतलब क्या है। इन्फ्लेशन मीन जनरल राइज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जनरल राइज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में बात करेंगे। जब भी हमने गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में बात किया, लेट से इस पेन के बारे में मैं बात कर रही हूँ, अगर एक पेन को बनाना है तो यहाँ पे आपको पता है कि क्या चाहिए? अब यहाँ पे कॉस्ट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ जाएगी, मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, इन सबको जो रिवॉर्ड्स मिलने हैं उसका रेट अगर मार्केट में इंक्रीज हो जाएगा तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड क्या हो जाएगी? वो भी इंक्रीज कर जाएगी, वो भी इंक्रीज करेगी। तो कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड अगर इंक्रीज करती है तो अल्टीमेटली कॉस्ट के इंक्रीज करने से क्या होगा? प्राइसेस भी इंक्रीज होंगे, बिकॉज हमें पता है प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट।
ठीक है, तो जब भी कॉस्ट इंक्रीज करेगी तो हम लोग क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशन मार्केट के अंदर होता है। तो नंबर वन हम लोग कॉजेज में क्या बोलेंगे, राइजिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नंबर टू, अगर मैं कंज्यूमर पर्सपेक्टिव के हिसाब से बात करूं, आपके पास, आप एक शॉप में गए, ठीक है, कोरोना का टाइम था, लेट से आपने सुना कोरोना आ गया, तो कोरोना के टाइम हम लोग अपने घर से गए, जितनी चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं भी थी हम लोगों ने वो भी परचेज कर ली, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट के अंदर जो सप्लाई थी प्रोडक्ट की एट दैट टाइम वो लिमिटेड थी, लेकिन डिमांड जो थी वो ह्यूज हो गई। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, कई बार एक डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता है बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, जहां पे डिमांड ज्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू सप्लाई। और जब भी डिमांड ज्यादा होती है तो लोग विलिंग होते हैं कि अब हमें ज्यादा पे भी करना पड़ेगा तो भी हम कर लेंगे, बिकॉज डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। तो इस टाइम पे भी हम लोगों ने क्या बोला, पीपल आर रेडी टू पे मोर, मतलब वो ज्यादा प्राइस पे करने को भी तैयार हैं। और प्राइसेस बढ़ने का मतलब ही क्या है, इन्फ्लेशन, क्लियर। तो यहाँ पे हम जब कॉजेस के बारे में बात करते हैं, दो मेजर कॉजेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, नंबर वन राइजिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नंबर टू इज द इंक्रीज कंज्यूमर डिमांड, और नंबर थ्री एक और चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, दैट इज द एक्सपेंशनरी मॉनिटरी पॉलिसी। मैंने आपके साथ मॉनिटरी पॉलिसी डिस्कस किया हुआ है, अगर किसी को नहीं पता, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, एक्सपेंशनरी मॉनिटरी पॉलिसी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा, वो मनी सप्लाई मार्केट के अंदर इंक्रीज कर देंगे। तो जब मनी सप्लाई इंक्रीज होती है तो हमारी पॉकेट्स में ज्यादा पैसा होता है और हम रेडी होते हैं टू परचेज न्यू एंड न्यू थिंग्स, हम डिमांड ज्यादा कर रहे हैं। तो एक्सपेंशनरी मॉनिटरी पॉलिसी की वजह से अल्टीमेटली क्या होता है, इंक्रीज डिमांड होता है। और जब भी इंक्रीज डिमांड होता है हमें क्या पता चलेगा कि अल्टीमेटली इन्फ्लेशन की तरफ हम मूव करेंगे, क्लियर। तो अगर अब आपसे कोई कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में पूछेगा आप क्या बोलेंगे, जल्दी जल्दी बोलिए जहां पे भी बैठे हैं। नंबर वन राइजिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नंबर टू इंक्रीज कंज्यूमर डिमांड, नंबर थ्री इज द एक्सपेंशनरी मॉनिटरी पॉलिसी। अब यहाँ पे जब हम राइजिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोगों ने क्या बोला, इन्फ्लेशन जो हमारा हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, कॉस्ट के बढ़ने की वजह से हो रहा है। तो ऐसा जब इन्फ्लेशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। क्या बोलेंगे हम इसको, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। और लाइक वाइज जब हमारा इन्फ्लेशन डिमांड की वजह से हो रहा है, डिमांड के बढ़ने की वजह से हो रहा है, तो हम उसको क्या कहते हैं, इट इज नोन एज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। क्या बोलेंगे आप उसको, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो कहीं आपसे ऑब्जेक्टिव में आ जाए डिमांड पुल इन्फ्लेशन, तो आप लोग क्या देखेंगे कि क्या ये पर्टिकुलर इन्फ्लेशन हमारा डिमांड के बढ़ने की वजह से हो रहा है, अगर हो रहा है तो आप सीधे बोलेंगे इट इज नोन एज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और अगर आपका पर्टिकुलर इन्फ्लेशन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ने की वजह से हो रहा है, देन दैट इज नोन एज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, क्लियर। अब इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में अगर हम बात करें, सबसे पहला हमें क्या देखने को मिल रहा है, प्राइस राइज, इन्फ्लेशन मीन्स प्राइस राइज, ठीक है। तो आप लोग मुझे स्लाइड को बिना देखे आप लोग मुझे बताइए, अगर इकोनॉमी में प्राइस राइज हो जाएगा तो उससे आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इससे क्या होगा, पहले अगर आप एक ब्रेड 25 रुपीज की लेते थे, नाउ बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन समहाउ एक ब्रेड हो गई 50 रुपए की, ठीक है। तो आपके पास 100 रुपए है पॉकेट में, तो यहाँ पे आप लोग क्या कर पा रहे थे, आप लोग 25 रुपए की ब्रेड ले रहे थे, रिमेनिंग आपके पास कितना बच गया था, 75 रुपीज। अब 75 रुपीज से आप काफी चीजें और भी परचेज कर सकते थे, लेकिन पैसा अभी भी आपके पास 100 रुपए है। लेकिन जब प्राइसेस बढ़ना स्टार्ट हुए, ब्रेड का लेट से प्राइस बढ़ा, तो इस समय इंस्टेड ऑफ 75 रुपीज हमारी पॉकेट में क्या हुआ, हमारी पॉकेट में 50 रुपए बचे। इसका मतलब पहले से हम कम सामान ले सकते हैं, पहले के कंपैरिजन में हम कम गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर सकते हैं। इसका मतलब हमें क्या पे करना पड़ेगा, हमें हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग देना पड़ेगा, सामान खरीदने के लिए हमें ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग क्या बोलेंगे, हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग, और नंबर वन इज द डिक्रीज परचेजिंग पावर, ठीक है। क्योंकि पहले आप 75 रुपए का सामान ले पा रहे थे एक्स्ट्रा, नाउ आप क्या कर पा रहे हैं, 50 रुपीज का सामान ले पा रहे हैं। तो पहले जहाँ 25 रुपए में एक ब्रेड आ रही थी, नाउ ब्रेड का जो प्राइस है वो 50 रुपए हो गया, ठीक है। आप लोगों ने नोट भी किया होगा, एक कॉमन एग्जाम्पल जो मैं क्लासेस में बहुत बार बोलती हूँ, अगर हम मैगी के बारे में बात करें, जब हमारे स्कूल डेज होते थे तो उस समय 5 या 6 रुपए का एक मैगी का पैकेट आपको मिल जाता था। आज के टाइम पे जो 10 रुपए का पैकेट है, क्वांटिटी उस पे कम हो गई है। तो आप लोगों को अगर उतनी क्वांटिटी आपको मैगी की बनानी है 5-6 रुपए वाले पैकेट के हिसाब से, पहले आप एक पैकेट लेते थे,
आज उसी पैकेट की कॉस्ट हो चुकी है 10 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या दिखा कि अगर आपको पहले 2 5 रुपए के पैकेट बनाते थे, अब आपको 10 रुपए के 2 पैकेट बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब पहले आप 20 रुपए में से 4 पैकेट खरीद सकते थे, आज की डेट में 20 रुपए से आप 2 पैकेट खरीद पा रहे हो। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपकी जो परचेजिंग पावर है वो डिक्रीज हो गई। तो जब भी आप इन्फ्लेशन के बारे में बात करेंगे तो इफेक्ट क्या होगा, नंबर 1 डिक्रीजिंग परचेजिंग पावर, नंबर 2 इज द हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग, नंबर 3 इज द पोटेंशियल इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी। ठीक है, आपको नहीं पता प्राइसेस कितनी तेजी से फ्लक्चुएट कर रहा है मार्केट के अंदर जब भी इन्फ्लेशन आता है। तो आप लोग काफी टाइम देखते होंगे कि काफी सारी कंट्रीज, जैसे अगर हम श्रीलंका के बारे में बात करें, जब श्रीलंका में लास्ट टू लास्ट ईयर इन्फ्लेशन हमें देखने को मिला, ठीक है, ड्यू टू फर्टिलाइजर वाला प्रॉब्लम, तो वहां पे आप लोगों को क्या देखने को मिला, श्रीलंका के अंदर इकोनॉमी ने बहुत ज्यादा सफर किया, प्राइसेस बहुत हाई होना स्टार्ट हो गए और उनकी जो इकोनॉमी थी वो इनस्टेबल होना स्टार्ट हो गई। अब लोग वहां आके इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि उनकी जो करेंसी है उसके वैल्यू इरोड होना स्टार्ट हो जाती है। पोटेंशियल इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी क्यों होता है, बिकॉज वैल्यू ऑफ द करेंसी इरोड होना होती हुई हमें दिखाई देती है। वैल्यू ऑफ द करेंसी क्या होती है, इरोड होती है। वैल्यू ऑफ द करेंसी कैसे इरोड होती है, पहले अगर आपके पास 100 रुपए था, आप 25 रुपए के टाइम जो ब्रेड की कीमत 25 रुपए थी, आप 4 ब्रेड ले पा रहे थे, मतलब 100 रुपए में से आपको 4 ब्रेड मिल रही थी। अभी भी आपके पास 100 रुपए हैं लेकिन ब्रेड का प्राइस हो गया 50 रुपए, तो आप लोगों ने क्या किया, आपने 2 ब्रेड ही ली। तो इसका मतलब आपकी जो वैल्यू ऑफ करेंसी है वो कम हुई, यही मतलब है, वैल्यू ऑफ करेंसी इरोड हो गई। और जब भी वैल्यू ऑफ करेंसी इरोड होती हुई हमें दिखाई देती है बहुत तेजी से, ठीक है, तो उस समय हम लोग क्या बोलेंगे कि इकोनॉमी में इंस्टेबिलिटी हमें दिखाई दे रही है। मैं आप लोगों को जब टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन पढ़ाऊंगी अगली क्लास में, तो आपको वैल्यू ऑफ करेंसी इरोड होने का कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। क्लियर यहां तक? अब यहाँ पे जब हम इन्फ्लेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको क्या बोला कि सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के बारे में हम लोग देखेंगे। इन्फ्लेशन को मेजर करना है तो इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए हम 2 मेजर इंडिसेस यूज करते हैं। नंबर 1 इज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, नंबर 2 इज द डब्ल्यूपीआई दैट इज नोन एज होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब सीपीआई के बारे में अगर बात करें या डब्ल्यूपीआई के बारे में बात करें, यहाँ से आपके जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स हैं वहां पे आपको काफी सारे ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ कुछ चीजें जो मैं बोर्ड पे लिखूंगी, प्लीज नोट डाउन उनको भी लिखिए, सो दैट आप लोग जहां पे भी अपने नोट्स बना रहे हैं, कल को कोई ऑब्जेक्टिव एग्जाम आता है तो आप लोग मार्क कर सके। तो यहाँ पे सीपीआई या डब्ल्यूपीआई के बारे में हम लोग बात करें, तो मार्केट में होता क्या है, मार्केट में अगर मुझे एक पेन लेने भी जाना है, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं रिटेल आउटलेट में जाऊंगी। ठीक है, मेरे सराउंडिंग में जो स्टेशनरी की शॉप्स होंगी, मैं वहां जाकर एक पेन परचेज करके आ जाऊंगी। ठीक है, लेकिन ये रिटेल शॉप वाला कहाँ से ला रहा है, ये ला रहा है होलसेलर से, और होलसेलर कहाँ से ले रहा है, फैक्ट्री से, और रिटेलर से हमारे पास आ रहा है कंज्यूमर पे। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, जो होलसेलर है वो भी क्या करेगा, वो भी प्रॉफिट अर्न करेगा, होलसेलर भी क्या करेगा, प्रॉफिट अर्न करेगा। अब यहाँ पे जो प्राइस होंगे एट द होलसेल लेवल, इनके प्राइसेस में डिफरेंस होगा एज कंपेयर टू जो हम कंज्यूमर्स को प्राइस मिल रहा है। होलसेलर का जो प्राइस है उसके लिए जो इंडेक्स हम यूज करते हैं दैट इज नोन एज डब्ल्यूपीआई, क्योंकि यहाँ पे भी तो प्राइस चेंज हो रहा है, एक कॉन्स्टेंट प्राइस तो नहीं रहता थ्रू आउट। होलसेल मार्केट में भी प्राइसेस क्या करते हैं, वेरी करते हैं। तो यहाँ पे जो इंडेक्स होलसेल के प्राइस को मेजर करेगा दैट इज नोन एज डब्ल्यूपीआई, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डब्ल्यूपीआई। लाइक वाइज जब हम कंज्यूमर के बारे में बात करते हैं, आप लोग मार्केट के अंदर गए, ठीक है, आप लोग अगर वेजिटेबल मार्केट के बारे में बात करो थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। आप कल गए टोमेटो लेने, आपको मिले 50 रुपए के जी टोमेटो, आप आज गए टोमेटो लेने, आपने देखा टोमेटो का जो प्राइस था वो 50 की जगह क्या हो गया, 60 हो गया। इसका मतलब हमें क्या देखने को मिला, मैं जो कंज्यूमर हूँ उसको क्या देखने को मिल रहा है कि टोमेटो के प्राइसेस जो हैं वो महंगे हो गए, महंगे हो गए। और इसके लिए जो हम इंडेक्स यूज करते हैं दैट इज नोन एज सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो आप लोगों को जब भी इन्फ्लेशन मेजर करनी होती है
तो होलसेल लेवल पे हम लोग जो इंडेक्स यूज करते हैं दैट इज नोन एज WPI. लाइकवाइज जो हम इंडेक्स यूज करते हैं एट द कंज्यूमर लेवल दैट इज नोन एज CPI, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर ही ऐसा है. होलसेलर जो है वो डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट से ले रहा है, ठीक है, लेकिन जब कंज्यूमर के बारे में बात कर रहे हैं वो रिटेल से ले रहा है. तो आप लोग समझ पा रहे हैं WPI के जब बारे में बात कर रहे हैं, WPI में हम लोग क्या बात करेंगे, हम होलसेल लेवल पे बात करेंगे, और CPI में हम बात करेंगे कंज्यूमर लेवल पे दैट इज द रिटेल लेवल पे. तो जब आप इन्फ्लेशन को मेजर करने के बारे में बात करोगे CPI और WPI आएगा. ये कुछ भी अजीब चीज नहीं है. CPI का मतलब ये वो इंडेक्स है जिससे हम इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं एट द कंज्यूमर लेवल, और हम लोग क्या कहते हैं एट द रिटेल लेवल. लाइकवाइज जब आप WPI के बारे में बात करेंगे, होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में बात करेंगे, तो आप क्या कहेंगे, आप बोलेंगे ये वो इंडेक्स है जिससे हम इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं एट द होलसेल लेवल. क्लियर, ठीक है. तो रीडिंग CPI दैट इज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ट्रैक्स चेंज इन द प्राइस ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है. यहां तक क्लियर हुआ? ये मैं आप लोगों के साथ अलग से डिस्कस करूंगी, इसको छोड़ दीजिए. होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में अगर हम बात करें, मेजर चेंजेस इन होलसेल प्राइस मैंने अभी आपको बताया, ट्रैक्स प्राइस मूवमेंट ऑफ गुड्स एट द प्रोड्यूसर और होलसेल लेवल, ठीक है. अब यहाँ पे जब हम WPI के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे हम CPI के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम इन्फ्लेशन के बारे में बात कर रहे हैं. एंड यू नो जब भी आप इन्फ्लेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन्फ्लेशन क्यों आ रहा है, बिकॉज अगर जितना डिमांड है उतनी सप्लाई है तो शायद इन्फ्लेशन ना हो. तो जब भी डिसइक्विलिब्रियम आता है बिटवीन द सप्लाई एंड डिमांड इन द इकोनॉमी देन दैट विल लीड टू द इन्फ्लेशन. तो चाहे आप WPI के बारे में बात करें, चाहे आप CPI के बारे में बात करें, आपके दिमाग में क्या आ रहा है, इट रिफ्लेक्ट सप्लाई एंड डिमांड कंडीशंस. अब यहाँ पे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं WPI. अब जब भी आपको कुछ भी कैलकुलेट करना होता है, आपको WPI कैलकुलेट करना है, आपको CPI कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं. किससे, कुछ तो लेंगे ना, कोई ईयर लेंगे, उस समय क्या प्राइसेस चल रहे थे और आज की डेट पे क्या प्राइसेस चल रही हैं, हम उन दोनों का कंपैरिजन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करें, ठीक है, तो आप घर पे आते हो, आपके पेरेंट्स पूछते हैं रिजल्ट क्या आया, आपने बोला मेरे 90% नंबर आए, तो घर वाले एकदम से बोलते हैं पर्सन एक्स के कितने नंबर आए, ठीक है, आपका कोई फ्रेंड है श्याम, उसके कितने नंबर आए, तो श्याम के कितने नंबर आए, आपने बोला 95% नंबर आए, तो आपका कंपैरिजन होना स्टार्ट हो जाता है विद श्याम कि एज कंपेयर टू श्याम आपने कम स्कोर किया. उसी तरीके से इकोनॉमी में हम लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं, एक ईयर लेते हैं जिसके बेसिस पे कंपैरिजन होता है, दैट ईयर इज नोन एज बेस ईयर. जो शाम है आप उसको क्या ले सकते हैं, शाम को जिसके साथ आपका कंपैरिजन होगा दैट इज नोन एज बेस ईयर, ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आज का प्राइस को कंपेयर करेंगे किसके साथ, विद सम प्रीवियस ईयर, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं बेस ईयर. और बेस ईयर वो ईयर होता है जो रिलेटिवली स्टेबल होता है. और WPI के लिए बेस ईयर क्या है, CPI के लिए बेस ईयर क्या है, वो भी मैं बताऊंगी, वो भी नोट डाउन कर लेना. तो अभी आपको क्या पता होना चाहिए, जब भी हम CPI या WPI को कैलकुलेट करते हैं तो हम कैसे करते हैं, विद रेफरेंस टू सर्टन बेस ईयर. तो यहाँ पे लेट्स से अगर आपको WPI को कैलकुलेट करना है तो आप क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ द मार्केट बास्केट, ठीक है, यहाँ प्राइस लिख लेना, प्राइस ऑफ द मार्केट बास्केट इन गिवन ईयर. लेट्स से मुझे 2020 के अंदर कैलकुलेट करना था कि कितना इन्फ्लेशन आया, तो मैं क्या करूंगी, प्राइस ऑफ मार्केट बास्केट इन द गिवन ईयर, गिवन ईयर मेरे को कौन सा ले रही हूँ 2020. अगर 2023 में आप कैलकुलेट कर रहे हो तो यहाँ पे 2020 की जगह क्या आएगा 2023, डिवाइडेड बाय हम किसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, प्राइस ऑफ द मार्केट बास्केट इन बेस ईयर. और बेस ईयर हम WPI के लिए क्या लेते हैं, 2011-12 इन 200%. तो इस तरीके से आप कंपेयर करोगे. तो प्राइस ऑफ द मार्केट बास्केट इन 2020 का मतलब क्या है, जिस ईयर में हम देखना चाहते हैं कि एज कंपेयर टू बेस ईयर इस साल प्राइसेस इंक्रीज, कितने इंक्रीज हुए क्या कितने कम हुए, ठीक है, दैट इज द गिवन ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ द सेम मार्केट बास्केट इन बेस ईयर, जो WPI के केस में क्या है 11-12, ठीक है.
तो दिस इज द फॉर्मूला जिसके बेसिस पे आप WPI कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे WPI का फॉर्मूला तो आप क्या बोलेंगे, WPI का फॉर्मूला आप कैसे लिखेंगे, लिखिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। WPI इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ मार्केट बास्केट इन गिवन ईयर डिवाइडेड बाय, सॉरी कॉस्ट की जगह आप लोग प्राइस लिखना टू बी मोर प्रिसाइज, डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ मार्केट बास्केट इन द बेस ईयर इनटू 100%। ठीक है, अगर आप 2024 में कैलकुलेट करोगे तो गिवन ईयर की जगह क्या आ जाएगा 2024, और बेस ईयर की जगह क्या आएगा 2011-12। अगर मुझे 2023 का कैलकुलेट करना होता तो गिवन ईयर की जगह क्या आता 2023, और बेस ईयर की जगह 2011-12। ठीक है, बेस ईयर वही रहेगा जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है, बेस ईयर चेंज होता है टाइम टू टाइम, लेकिन जो आज की डेट पे बेस ईयर चल रहा है दैट इज 2011-12। ठीक है, क्लियर। अगर आपको मैं बोलती 2016 का निकालिए तो आप क्या करोगे, प्राइस ऑफ मार्केट बास्केट इन 2016। क्लियर, तो इस तरीके से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो WPI कैसे कैलकुलेट करना है आपको समझ आ गया सबको। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या समझ आया, बेस ईयर क्या है फॉर WPI, आपके पास बेस ईयर क्या है, बेस ईयर इज 2011-12। क्या है बेस ईयर 2011-12, नंबर वन, क्लियर। अगर हम मैं अगर आपसे पूछूं कि WPI की कैलकुलेशन कितने ड्यूरेशन में होती है, देखिए जो WPI हम लोग कैलकुलेट करते हैं इनिशियली वीकली बेसिस पे WPI कैलकुलेट होता था, हर हफ्ते गवर्नमेंट क्या करती थी WPI को कैलकुलेट करती थी, लेकिन सिंस 2009 गवर्नमेंट क्या करती है इसको भी मंथली कैलकुलेट करती है। कैसे कैलकुलेट करती है, मंथली कैलकुलेट करती है। अब जब हम WPI के बारे में बात कर रहे हैं दैट इज द होलसेल प्राइस इंडेक्स, तो यहाँ पे कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है फॉर WPI, आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कौन सा डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है, लिख लेना ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर, ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर इन द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, एंड प्रमोशन ये कौन सी मिनिस्ट्री में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर कंपाइलिंग WPI एंड रिलीजिंग इट्स रिपोर्ट। ठीक है, तो ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर इन द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यहां तक क्लियर हुआ सबको, एनी डाउट? अगर आपको कोई भी डाउट होता है फ्री होकर मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब यहां तक आपको चीजें आई होप समझ आ गई। बेस ईयर जल्दी जल्दी बोलिए, बेस ईयर 2011-12, फिर कौन रिलीज करता है, ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर इन द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नंबर थ्री, जब हम WPI के बारे में बात करते हैं हम कौन सी मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं, हम होलसेल मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं, हम प्रोड्यूसर लेवल पे बात कर रहे हैं। क्लियर, अगर आपको WPI कैलकुलेट करना होगा तो फॉर्मूला क्या है कमेंट बॉक्स में लिखिए, फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो दिस इज योर WPI। अब WPI में हम बास्केट ऑफ गुड्स के बारे में बात करेंगे, तो WPI में क्या बास्केट ऑफ गुड्स हैं ये मैं आप लोगों को पहले CPI पढ़ा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको PIB का स्क्रीनशॉट दिखाऊंगी सो दैट आपको अच्छे से समझ आ जाए, या हम लोग देख लेते हैं उसके बाद हम, नहीं पहले मैं आपको CPI पढ़ा देती हूँ उसके बाद मैं PIB वाला स्क्रीन WPI का भी दिखा दूंगी CPI का भी दिखा दूंगी, लास्ट के लिए वेट करना क्लास में सो दैट आप PIB से भी रिलेट कर पाए। अब हम लोग अगर CPI के बारे में बात करें तो CPI में हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे कंज्यूमर लेवल पे बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको एक जो पॉइंट पता होना चाहिए, हम CPI में किसके बारे में बात करते हैं, गुड्स एज वेल एज सर्विसेज के बारे में बात करते हैं, लेकिन WPI में हम ओनली गुड्स, बिकॉज सर्विसेज को बल्क में परचेज नहीं किया जाता। ठीक है, तो सर्विसेज के बारे में हम सिर्फ CPI में बात करते हैं, लेकिन एज फार एज WPI इज कंसर्न वहां पे आप सिर्फ गुड्स के बारे में बात करोगे। तो CPI में हम कंज्यूमर लेवल पे बात कर रहे हैं,
सीपीआई के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे बेस ईयर क्या रहने वाला है, 11-12। डब्ल्यूपीआई में बेस ईयर क्या था, 11-12 सेम बेस ईयर था, यहाँ पे भी सेम बेस ईयर रहेगा। ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूमर लेवल 2011-12 यहाँ तक क्लियर हुआ। जैसे आप लोगों के साथ मैंने डब्ल्यूपीआई का फॉर्मूला निकाला था, वैसे ही अगर मुझे सीपीआई का फॉर्मूला निकालना हो, हम लोग क्या लिखेंगे, सीपीआई इज इक्वल टू प्राइस ऑफ बास्केट, मार्केट बास्केट इन गिवन ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ मार्केट बास्केट इन बेस ईयर इनटू 100%। ठीक है, तो इस तरीके से आप सीपीआई को कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने डब्ल्यूपीआई और सीपीआई के बारे में जब हम बात करते हैं, तो डब्ल्यूपीआई कौन निकाल रहा था, कौन डेटा निकाल रहा था उसका, ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर कौन निकाल रहा था, ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर इन द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। लाइक वाइज सीपीआई का डेटा कौन रिलीज करता है, सीपीआई का डेटा हमारा कौन कौन रिलीज करेगा, इट इज नॉट द ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर, ये हमारा निकलता है सीएसओ, दैट इज द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, यहाँ से हमारा डेटा निकलता है। अब सीएसओ के बारे में अगर हम बात करें, पहला वाला डब्ल्यूपीआई में मिनिस्ट्री कौन इन्वॉल्व थी, मिनिस्ट्री हमारी थी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की, लेकिन यहाँ पे हमारी है मॉस्पी, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन, सॉरी प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो मॉस्पी की मिनिस्ट्री है, लेकिन वहां पे हमारी कौन थी, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की। तो सीपीआई में आपको मोटा मोटा पता चला सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में क्या क्या फर्क है। ठीक है, यहां तक समझ आया, तो डेफिनेशन ऑफ सीपीआई हम देख लेते हैं। द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ द एवरेज चेंज इन प्राइस पेड बाय कंज्यूमर फॉर अ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ट्रैक्स प्राइस चेंज। सीपीआई और डब्ल्यूपीआई दोनों प्राइस चेंज को ट्रैक करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसको इसको छोड़ दीजिए, जब हम सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के बारे में बात करते हैं तो याद रखना जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो सीपीआई पे ज्यादा फोकस करता है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो डेटा आता है वो मेजर जो फोकस होता है वो किस पे आ रहा है, सीपीआई में। क्यों, सीपीआई में नंबर वन सर्विसेज के बारे में भी बात की जा रही है, नंबर टू कंज्यूमर, कंज्यूमर का क्या डिमांड है वो हमें एग्जैक्टली कहाँ पे देखने को मिलता है, सीपीआई में देखने को मिलता है एज कंपेयर टू डब्ल्यूपीआई में। सीपीआई इज अ ट्रू रिफ्लेक्शन एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को इनके बारे में पता होना चाहिए। अब मैं आपको स्क्रीन दिखा देती हूँ, जस्ट अब मैं आपको ये स्क्रीन दिखा रही हूँ, दिस स्क्रीन इज इम्पोर्टेंट। अगर आप लोग इस स्क्रीन में देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सीपीआई की। अब सीपीआई में मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको नंबर वन बोला मार्केट बास्केट। अब यहाँ पे इस मार्केट बास्केट को हम लोगों ने पांच कैटेगरीज में क्लासिफाई किया हुआ है। पहला फूड एंड बेवरेज, जब हम सीपीआई के बारे में बात करते हैं तो फूड एंड बेवरेज में सबसे ज्यादा वेट दिया हुआ है, मतलब फूड और बेवरेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है सीपीआई का। क्यों, अगर हम मंथली एक्सपेंडिचर के बारे में बात करें तो कंज्यूमर बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर कहाँ पे करता है, कंज्यूमर बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर करता है किसके ऊपर, आपका आपका फूड और बेवरेजेस के ऊपर। दैट्स वाई फूड और बेवरेजेस को कितना कितना मिला हुआ है, 54.18 क्या मिला हुआ है, यहाँ पे जो हमने वेट असाइन किया हुआ है टू द फूड एंड बेवरेजेस, इट इज इक्वल टू 54.18। जस्ट अ सेकेंड, उसी तरीके से दूसरा जो हमारा वेरिएंट आता है दैट इज पान, पान टोबैको एंड इंटॉक्सिकेंट्स, उसको जो वेट असाइन है एज कंपेयर टू फूड एंड बेवरेजेस कितना है, 3.26। ठीक है, आउट ऑफ योर टोटल एक्सपेंडिचर फूड में बहुत ज्यादा होता है, उसके कंपैरिजन में पान टोबैको में कम होता है। और थर्ड कैटेगरी हमारी आती है क्लोथिंग एंड फुटवेयर, क्लोथिंग एंड फुटवेयर को भी आप देखेंगे 7.36 दिया हुआ है, इसको भी वेट थोड़ा सा ज्यादा दिया हुआ है बाकी कंपोनेंट्स के हिसाब से। फिर हाउसिंग जिसमें आपका रेंट वगैरह आता है, देन फ्यूल एंड लाइट, फ्यूल एंड लाइट को कितना वेट असाइन है, 7.94। तो फूड एंड बेवरेजेस को मेरे को जो आपको पॉइंट दिखाना था दैट इज कि हमारे पास पांच चीजें आती हैं मार्केट बास्केट में, सीपीआई में, डब्ल्यूपीआई में ये बास्केट चेंज हो जाएगी,
तो जब आप सीपीआई के बारे में बात करेंगे, आप क्या बोलेंगे? फूड और बेवरेजेस को बहुत ज्यादा वेट दिया गया है, उसके पीछे का रीजन है। रीजन क्या है? इसके पीछे का जो रीजन है वो यही है कि हमारा जो कंज्यूमर का जो सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर होता है वो किस पे होता है? वो फूड और बेवरेजेस में होता है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे, फूड और बेवरेजेस में जो हमारी इन्फ्लेशन थी, ठीक है, मैं आपको जस्ट अ सेकेंड, सॉरी, ये मेरे पास पुराना डेटा है, इसको छोड़ दीजिए। अभी आप सिर्फ यही समझने की कोशिश करिए, फूड और बेवरेजेस जब हम सीपीआई के बारे में बात करते हैं, सबसे ज्यादा खर्चा कहाँ पे कंज्यूमर कर रहा है? फूड और बेवरेजेस में। नंबर सेकेंड फ्यूल और लाइट पे देखने को मिलता है, देन क्लोथिंग एंड फुटवेयर में, देन पान टोबैको इंटॉक्सिकेंट्स में, और देन हाउसिंग के अंदर एक्सपेंडिचर देखने को मिलता है। ये किसके बारे में हमने बात किया? सीपीआई। तो सीपीआई में मार्केट बास्केट क्या है आपको पता चल गया, पांच कैटेगरीज। फिर हम लोग अगर डब्ल्यूपीआई में बात करें, डब्ल्यूपीआई में अगर हम बात करें तो डब्ल्यूपीआई में आप लोग देखेंगे प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल एंड पावर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। हम लोग यहाँ पे इन तीन कैटेगरीज के अंदर बात करते हैं। और सबसे ज्यादा जो वेट असाइन है वो किस पे है? मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में। अगर आप डब्ल्यूपीआई के बारे में बात करें तो इंडिया में, मैं इंडिया के बारे में बात कर रही हूँ, इंडिया में मैन्युफैक्चर जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सबसे ज्यादा वेट असाइन है। क्यों सबसे ज्यादा वेट असाइन है? ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक है। डब्ल्यूपीआई में मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स को सबसे ज्यादा वेट असाइन इसलिए है बिकॉज इकोनॉमी के अंदर इसका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है। डब्ल्यूपीआई का, सॉरी, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। जैसे इंडस्ट्रीज होगी, टेक्सटाइल हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, वो बहुत ज्यादा हेविली कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं जीडीपी को, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें तो ये वो सेक्टर है जो जॉब क्रिएशन में बहुत ज्यादा हमें जो बहुत ज्यादा एक एडवांटेज देता है फॉर जॉब क्रिएशन। यहाँ पे बहुत ज्यादा जॉब क्रिएशन होता है मैन्युफैक्चर सेक्टर में। नंबर 3, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बात कर सकते हैं। नंबर 4, पॉलिसी मेकिंग में भी मैन्युफैक्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को पता है जब भी हम इकोनॉमिक्स में काफी सारी चीजें पढ़ते हैं तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, लेट से एग्रीकल्चर के बारे में अगर हम बात करें तो हम लोग क्या पढ़ते हैं कि एग्रीकल्चर में डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर हमें इस डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना है तो यहाँ से हमें लोग हटाने पड़ेंगे। और वो लोग कहाँ पे एब्जॉर्ब हो सकते हैं? सर्विसेज सेक्टर पे तो नहीं एब्जॉर्ब होंगे, वो लोग कहाँ एब्जॉर्ब हो सकते हैं? इन द मैन्युफैक्चर सेक्टर्स। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि मैन्युफैक्चर सेक्टर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई यहाँ पे बहुत ज्यादा जो वेट है वो किसको असाइन किया गया? मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स को। क्लियर? तो अगर आपको मार्केट बास्केट देखना हो डब्ल्यूपीआई सीपीआई का, तो यहाँ पे आप लोग क्या देखेंगे? प्राइमरी आर्टिकल, फ्यूल एंड पावर एंड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स। क्लियर? यहाँ तक सबको समझ आया? ठीक है, आई होप आपको सीपीआई डब्ल्यूपीआई के बारे में समझ आया हो। अब सीपीआई के बारे में अगर हम बात करें, एक लास्ट पॉइंट जो मुझे क्लास खत्म होने से पहले आपके साथ डिस्कस करना है। देखिए, सीपीआई के बारे में जब भी हम बात करते हैं, सीपीआई में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट कंज्यूमर, हम कंज्यूमर के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम कंज्यूमर के बारे में बात कर रहे हैं तो कंज्यूमर आप लोगों का इंडस्ट्रियल वर्कर भी है, ठीक है, कंज्यूमर आप लोगों का इंडस्ट्रियल वर्कर भी है, कंज्यूमर आपका एग्रीकल्चरल वर्कर भी है, कंज्यूमर आपका अर्बन एरिया में भी मिलेगा, कंज्यूमर आपका रूरल एरिया में भी मिलेगा। तो दैट्स व्हाई जो हमारा इंडस्ट्रियल वर्कर का कंज्यूमर है उसका उसका कंजप्शन पैटर्न अलग होगा, जो हमारा रूरल वाला कंज्यूमर है उसका अलग होगा। तो दैट्स व्हाई हम लोगों का यहाँ पे सीपीआई भी अलग अलग होता है। लेकिन जब हम इन्फ्लेशन के बारे में बात करते हैं, हम लोगों को क्या समझना चाहिए कि हमें सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर्स का भी देखना पड़ता है, हमें सीपीआई रूरल एरियाज का भी देखना पड़ता है, हमें अर्बन एरिया का भी अलग अलग देखना पड़ता है। लेकिन जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या कोई भी नॉर्मली इन्फ्लेशन के लिए जब हम वो एजेंसीज देखती हैं तो वो कौन सा लेती है?
वो लेती है सीपीआई रूरल प्लस अर्बन कंबाइंड। क्या लेती है? सीपीआई रूरल प्लस अर्बन कंबाइंड। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर? आई होप आपको सीपीआई डब्ल्यूपीआई के बारे में पता चल गया। सीपीआई का बेस ईयर क्या है कमेंट बॉक्स में बताइए, सो दैट मुझे पता चले आपको ये क्लासेस कितना हेल्प कर रही हैं। ठीक है, क्लास यहीं पे खत्म करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।